हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर। मेरा नाम है मोहम्मद अनस। आज हम एमयू बीएससी बीएड वाला जो पेपर था उसका बायोलॉजी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको और ये बताएंगे कि हमने एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में जो आपको पढ़ाया वही आया। चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, 25 सवाल आते हैं, हम सब जानते हैं 25 के 25 सवालों को हम देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि पहला सवाल आप समझिए, ये क्या कह रहा है। देखो, यू हैव बीन गिवन टू फ्लावर्स, ये एक सिचुएशनल सवाल है। इस तरह के सवाल एमयू वाले थोड़ा कम ही बनाते हैं क्योंकि इस तरह के सवाल बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। खैर, यू हैव बीन गिवन टू फ्लावर्स, वन फ्लावर हैज सिक्स स्टैमेंस विद टू पेयर्स ऑफ लॉन्गर स्टैमेन एंड टू शॉर्टर स्टैमेन, यानी कि 6 स्टैमेन है एक फ्लावर के अंदर, जिसमें दो पेयर यानी कि 4 जो है वो लॉन्ग है और 2 जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। अब स्टैमेन क्या है ये आप जानते हैं, आपने तैयारी करी है। The other flower has all the anthers fused and filaments free. और जो दूसरा फ्लावर है उसके all the other flower all has anther fused, जिसके anther जो है वो कैसे हैं? Fused हैं, ठीक है, और filaments जो है वो free हैं। अब आपको ये बताना है कि ये conditions क्या कहलाती हैं। आखिर which of the following pair of term correctly describe the androecium type? यानी कि जो androecium है, यानी कि जो मेल वाला पार्ट है फ्लावर का, उसका टाइप जो है वो किस तरह का है, इस कंडीशन को देखते हुए हमें ये बताना है, ठीक है। इन्होंने दो दो दे रखे हैं, पेयर में दे रखा है कि भाई इस तरह का है या इस तरह का है, तो हमें ये चीज बतानी है। देखो बेटा, इसका जवाब है सीधा सीधा टेट्राडायनेमस एंड सिंजिनेसस, ठीक है। अब ये देखिए, टेट्राडायनेमस का अंदर होता क्या है। टेट्राडायनेमस इज दिस टर्म डिस्क्राइब्स एन एंडोशियम विद 6 स्टैमेंस वेयर 4 आर लॉन्गर एंड 2 आर शॉर्टर। देखो यही वाली बात हमारी दी हुई है यहां पर, ठीक है। दिस इज टिपिकली सीन इन द फैमिली ब्रैसिकेसी। ये कौन सी फैमिली में पाया जाता है? ब्रैसिकेसी का फीचर है, या फिर जिस ब्रैसिकेसी फैमिली का जो दूसरा नाम है दैट इज क्रूसीफेरी, ठीक है, जो मस्टर्ड है आपका, किसका है? ब्रैसिकेसी का ही तो है। चलिए, अब अगर हम इसकी बात करें, सिंजेनेसियस की बात करें, तो द टर्म डिस्क्राइब्स एन एंड्रोशियम वेयर एंथर्स आर फ्यूज्ड। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एंथर्स आर फ्यूज्ड टुगेदर व्हाइल द फिलामेंट्स रिमेंस फ्री, और जो फिलामेंट है वो फ्री रहते हैं। तो देखो दोनों कंडीशन हमारी आ गई, एक कंडीशन हमारी टेट्राडायनेमस ये रही, दूसरी कंडीशन सिंजेनेसिस ये रही, ठीक है। और ये किस फैमिली में देखी जाती है चीज, क्योंकि मान लीजिए अगर आप आगे जो क्या कहते हैं पेपर्स होने वाले हैं फ्यूचर वाले, तो उसमें अगर इस तरह का सवाल आया तो उसमें अब ये सवाल सेम टू सेम तो नहीं पूछेगा। अब मान लो पूछ लिया कि किस फैमिली का है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी, जिससे कि अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं अपना 2025, 26 या 27, 28 के लिए, या जो भी आगे फ्यूचर जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो देखो ये वाली जो कंडीशन होती है सिंजेनेसिस वाली, ये पाई जाती है आपकी एस्टेरेसी फैमिली में, जिसका पूरा नाम है या दूसरा नाम है कंपोजिटी, एक ही बात है, ठीक है। चलो, तो पहला सवाल तो हमारा, पहला जवाब हमारा ये रहा, बिल्कुल क्लियर। अब अगला देखो, सिरोसिस इज अ डिजीज ऑफ, सिरोसिस जो है वो लीवर की डिजीज है, लीवर सिरोसिस। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, है ना, बहुत ज्यादा बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे दवाई खाने लग जाते हैं, तो उनका लीवर जो है वो खराब होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, उसी कंडीशन को कहते हैं हम लीवर सिरोसिस। देखो, सिरोसिस इज अ टाइप ऑफ लीवर डैमेज वेयर हेल्दी सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यूज। कॉमन कॉज इंक्लूड एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, एंड फैटी लीवर दैट कॉज बाय ओबेसिटी। ये ओबेसिटी और डायबिटीज, डायबिटीज तो आप जानते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये बहुत बड़ी बीमारी चल रही है आजकल। और ये पता है क्यों हो रही है? आपका जो अनहेल्दी जो डाइट होती है, बैलेंस डाइट आप नहीं लेते, आपको आपको पसंद है सैंडविच, मोमोज, बर्गर, तो अब देखो उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो भाई कोशिश करिए कि अपनी जो डाइट है उसको सही करें, और एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में हर किसी के पास फोन आ गया है, एक्सरसाइज वगैरह कोई नहीं करना चाहता। चलिए, खैर, तीसरा सवाल इसमें, द क्रोमोजोम हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। देखो, जो सबसे बड़ा क्रोमोजोम होगा, जाहिर सी बात है, लॉजिकल बात है, सबसे ज्यादा जीन उसी पे होंगे। और ये हमने पढ़ाया था आपको कि हम जब कैरियोटाइपिंग करते हैं ह्यूमन क्रोमोजोम की, जब कैरियोटाइपिंग हमने करी थी, तो उसमें जो सबसे पहला वाला जो पेयर था क्रोमोजोम का, वो सबसे ज्यादा बड़ा था, ठीक है, और उसी पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है। तो क्रोमोजोम नंबर 1 इज द आंसर, इस पर सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट है। देखो, क्रोमोसोम नंबर 1 इन द ह्यूमन जीनोम, क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन्स, कितने जीन तकरीबन 2968 क्रोमोसोम्स। 1 क्रोमोसोम 1 इज डेजिग्नेटेड फॉर द लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। अगर मान लो अगली बार पूछ लिया कि लार्जेस्ट वाला कौन सा है, तो हमें यह ध्यान रखना है लार्जेस्ट वाला कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 1। ह्यूमंस हैव 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 एज दे डू ऑल ऑफ द ऑटोसोम्स, और ये किसका पार्ट है, ऑटोसोम्स का पार्ट है ना, Which are the non-sex chromosomes? Chromosome Y contain the least number of genes. अब देखो, अगर मान लो अगली बार पूछ लिया कि कौन सा क्रोमोजोम है जिसपे सबसे कम जीन है,
तो वो है क्रोमोसोम वाई, समझ गए, जो कि सेक्स क्रोमोसोम में आता है, ठीक है, जो कि मेल जेंडर को डिटरमाइन करता है। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टर्नर सिंड्रोम। देखो ये सारी ये जो 103 सवाल है, पिछले सवाल सब कुछ हमारे नोट्स में है, सब हम पढ़ा चुके हैं। आप जो हमारे एलिवेशन शिष्यवर्ग के बच्चे हैं वो जानते हैं कि हमने उन्हें सब कुछ पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, क्या कंडीशन आती है, रिजल्ट्स फ्रॉम अ डिलीशन और नॉन फंक्शन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। फीमेल होती है, अगर फीमेल है तो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में ये होता है कि ये एक एक्स जो है ये खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, यानी कि इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, एक्स और ओ, ओ का मतलब जीरो, कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि 46 क्रोमोसोम से 45 रह जाते हैं, यही कंडीशन कहलाती है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इन फीमेल्स अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विद टर्नर सिंड्रोम हैव मोनोसोमी एक्स, यानी कि मोनोसोमी एक्स वाली कंडीशन हो जाती है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम रह जाता है, यानी कि इसका जवाब क्या हो गया, देखो 45 तो आपके नॉर्मल क्रोमोसोम और जो आखिरी का जो पेयर है, ठीक है, जो कि एक्स और एक एक्स होना चाहिए, इसकी जगह एक्स और ओ हो गया, यानी कि एक एक्स यहां पे गायब हो गया, यानी कि माइनस वन क्रोमोसोम हो गया। जब माइनस वन क्रोमोसोम हो गया तो ये कौन सी कंडीशन है, मोनोसोमी कंडीशन है। तो आंसर इसका क्या है, सी 45, ठीक है, 45 एंड एक्स ओ, दिस इज टर्नर सिंड्रोम, दिस रिप्रेजेंट्स टर्नर सिंड्रोम, और ये भी आपको हमने अच्छे से पढ़ाया। अब जरा देखो, आसान से सवाल है कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हम जानते हैं कि एक सेल है ना, ये दो सेल में टूट जाएगा तो एक से दो बन गए तो बाइनरी फिजन, सिंपल सी बात है ना, हमने पढ़ा है बचपन से, अमीबा को हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो अमीबा में तो होता है। यूगलीना जो है, देखो अमीबा, यूगलीना, ठीक है, और आपको जो पैरामीशियम, इन तीनों में बाइनरी फ्यूजन हमने देखा है। लेकिन प्लाज्मोडियम भी अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मलेरिया थोड़ा सा पढ़ा होगा मलेरिया के बारे में, तो आप जानते हैं प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक मलेरिया को फैलाने वाला क्या है, वेक्टर है या फिर कॉजिंग एजेंट है, दिस इज कॉजल एजेंट, ठीक है। वेक्टर तो फीमेल एंडोफिलस मॉस्किटो होती है, तो प्लाज्मोडियम कॉजल एजेंट है और एक प्रोटोजोआ है, हम जानते हैं, ठीक है। और हमें यह भी पता है, जब हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा था, हमें यह भी जानते हैं कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, पता है, वो होता है मल्टीपल फिजन के थ्रू। कैसे होता है, मल्टीपल फिजन के थ्रू। तो प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन बाय डिवाइडिंग इट्स न्यूक्लियाई। तो यानी कि एक सेल है, उसके अंदर एक इसका न्यूक्लियस है, यानी कि एक प्लाज्मोडियम है, इसी के अंदर ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता रहेगा, यानी कि बहुत सारे, एक से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे और एक टाइम आएगा जब ये बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वे ये बाहर आ जाएंगे सेल से और अपना अपना अलग अलग सेल में फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस कंडीशन, अब यहां पर क्या आ रहा है कि भाई इनमें से क्या पूछा है कि कौन सा बाइनरी फिजन से नहीं करता, तो भाई प्लाज्मोडियम ही तो है, ये तो मल्टीपल फिजन से कर रहा है, तो दिस इज द आंसर, प्लाज्मोडियम इज द आंसर, ये नहीं कर रहा बाइनरी फिजन से, सिर्फ ये इकलौता जो है वो नहीं कर रहा, समझ गए। चलो अगला देखो, द कंसेप्ट दैट अ पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली वाइल फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस ओनली अर्थमेटिकली वॉज गिवन बाय, ये जो कंसेप्ट था कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगी ज्योमेट्रिकली वाइल फूड प्रोडक्शन इंक्रीज ओनली अर्थमेटिकली, यानी कि अगर ज्योमेट्रिकली या पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है तो ऐसा नहीं है कि उसी के साथ फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा, फूड प्रोडक्शन जो है वो अर्थमेटिकली करेगा, यानी कि थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, सही है। ये वाली बात पता है किसने कही थी, ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था T.R. Malthus ने। अब देखो ये वाली चीज तो आपको याद रखने वाली चीज है, ठीक है, कंसेप्ट दैट पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली व्हाइल फूड सप्लाईज इंक्रीज अर्थमेटिकली वाज पुट फॉरवर्ड बाय थॉमस मैल्थस, ठीक है, थॉमस आर मैल्थस, दिस इज द आंसर। चलो अब अगला देखो, कैरेक्टर विच डज नॉट सपोर्ट बाय द फाइलम कॉर्डेटा, ये भी आपको पढ़ाया था, अरे पूरा चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया था, सारी चीजें पढ़ाई थी और जो जो पढ़ाया था वो सारे के सारे सवाल आए हैं और हमने आपको हाईलाइट कर करके बताए थे कि ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए, ये पढ़िए, अगर आपने पढ़ा है तो आपने कर दिया होगा। चलो, कैरेक्टर विच डज नॉट सपोर्ट द फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो फाइलम कॉर्डेटा को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, बताओ कौन सा कैरेक्टर ऐसा है फाइलम कॉर्डेटा को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, तो पता है वो कौन सा है, दैट इज हेयर्स। हालांकि ये वाला सवाल, इसके ओमिट होने के भी चांसेस हैं क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो मैमल्स आते हैं उनके पास हेयर होते हैं, ठीक है, बट इन्होंने पूरे ओवरऑल फाइलम देखा ना, तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट हो गया, ठीक है, पूरा ओवरऑल फाइलम कॉर्डेटा को हम ये वाली बात नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन हाँ पूरे ओवरऑल सबके अंदर हमने नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स और टेल जो है वो प्रेजेंट रहेगी, सही है, किसी ना किसी सिचुएशन पे, किसी ना किसी लाइफ की उस पर क्या कहते हैं स्टेज पर, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर हेयर है, बाकी हम एमयू की जो आंसर की आएगी प्लस अगर ओमिट होता है तो हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। द प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनाल टेल, ये सारी चीजें तो एक प्रेजेंट होती है कॉर्डेट में। द प्रेजेंस ऑफ हेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ये किसका है, ये सिर्फ और सिर्फ
हेयर की प्रेजेंस ओनली मैमल्स की है, ठीक है। यहां पे पूछा है ओवरऑल सब में जो चीज प्रेजेंट हो, तो हेयर सब में तो प्रेजेंट नहीं होते, तो ये सवाल लॉजिकली ठीक भी बैठ रहा है यहां पे, ठीक है। तो इसका क्या है आंसर, डी, सही है। चलो अब ये सवाल है इसका पूरा कंसेप्ट हमने आपको बताया था, बट कोई बात नहीं, देख लीजिए अगर आप नहीं कर पाए तो। देखो इसमें क्या पूछा है, अ पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन द प्रोजेनी ऑफ अ वेब्ड कपल विद हेटरोजाइगस ए एंड बी ब्लड ग्रुप विल बी। तो इसका आंसर जो होगा ये देखिए, अब सबसे पहले टू डिटरमाइन द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनी ऑफ कपल वेयर वन पेरेंट हैज हेटरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप, और यानी इसका जीनोटाइप क्या बनेगा। अगर हेटरोजाइगस ए है तो जीनोटाइप क्या बनेगा आपका, आई ए और आई ओ बनेगा जीनोटाइप, हम जानते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत जेनेटिक्स पढ़ी है। एंड द अदर पेरेंट हैज हेटरोजाइगस बी, इसका जीनोटाइप बनेगा आई बी और आई ओ, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उसका क्या रहा जीनोटाइप, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, आई ए आई ओ और आई बी आई ओ। अब अगर हम इसकी इसको पुनेट स्क्वायर मेथड से अगर हम देखेंगे तो हमारी क्या कंडीशन आएंगी, यानी कि जो हमारा जो ब्लड ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, वो ए बी ब्लड ग्रुप भी आएगा, देखिए यहां से ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, ए ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप आएगा, और यहां पर ओ ब्लड ग्रुप आएगा, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप जो है हमारे यहां पर शो होंगे। देखो यानी कि ये जो हमारी कंडीशन बन रही है इसमें हमारे चारों ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, हेंस द आंसर इज जितने भी पॉसिबल ब्लड ग्रुप हैं वो सारे के सारे ब्लड ग्रुप इसमें पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या है इसका, आंसर है डी, ए बी ए बी और ओ, क्योंकि क्या है हेटरोजाइगस कंडीशन है, जब हेटरोजाइगस कंडीशन है तो सारे के सारे शो करेंगे, हमारे सारे ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, जो प्रोजेनी है उसमें सारे ब्लड ग्रुप आएंगे, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई थी। प्रोसेसेस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट आर कॉल्ड, ऑस्टियोब्लास्ट में प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, बेसिकली जो आपके बोन्स वाले जो सेल होते हैं, ठीक है। तो बताइए, देखो डेंड्राइट्स और न्यूरॉन का पार्ट है ये तो हटा दो, लेमेला जो है ये सेल वॉल का पार्ट है, सेल वॉल, मिडिल लेमेला नाम सुना होगा आपने, दो अल्टरनेटिव सेल वॉल को मिलाता है, ये भी हटा दो बिल्कुल। अब क्या बचा, लैक्यूना और कैनिकुलाई बचा, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा कैनिकुलाई, है ना, कैनिकुलाई क्यों है इसका आंसर, क्योंकि कैनिकुलाई आर द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स, यानी कि दो ऑस्टियोसाइट सेल्स के बीच में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कैनिकुलाई, जो प्रोटोप्लाज्म को एक्सचेंज करता है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कैनिकुलाई, समझ गए। चलो अब स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये तो हम जानते हैं, देखो एग सेल, कौन सा एग सेल, ह्यूमन बॉडी है तो कौन, मेल है कि फीमेल है, दोनों में होते हैं, एक उधर स्पर्म है उधर ओवम है, तो यहां पे कंफ्यूजन है, तो यानी कि बात स्पष्ट तरीके से नहीं कही गई है, तो इस वाले ऑप्शन को हटा दो। नर्व सेल तो बिल्कुल हटा दो, 90 सेंटीमीटर तक का पाया गया है। अब WBC और RBC बचा, तो देखो WBC जो है हमें पता है कि WBC क्या करता है, ये हमें बचाता है, पैथोजेंस पे अटैक करता है, उनको क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं ये सेल्स, और उसको खा जाता है ना, समझ गए, यानी कि क्या कर लेता है, जो सेल ईटिंग वाला प्रोसेस है वो इसमें शो होता है। तो जाहिर सी बात है जब ये और बैक्टीरिया को खा रहा है तो इसका खुद का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू आरबीसी, तो आरबीसी इज द आंसर, ठीक है। रेड ब्लड सेल, मैमल्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा छोटे रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं मैमल्स के अंदर, है ना, और हम कौन है, ह्यूमन कौन है, मैमल ही तो है, तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटे हैं वो कौन है, वो रेड ब्लड सेल्स हैं, सही है। तो इसका आंसर क्या है आपका, आरबीसी, और ये भी आपको बात बताई थी जब हमने सेल चैप्टर पढ़ाया था। अच्छा सिल्वर फिश क्या है, एक देखो नाम में फिश है, ये भी हमने आपको बताया था अपने क्या कहते हैं क्लास में, ये भी बहुत अच्छे से बताया था कि सिल्वर फिश नाम में फिश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असल में फिश होगी, और कुछ ऐसे हैं जिसके नाम में फिश नहीं है लेकिन वो फिश है, ठीक है। तो अब देखो ये पता है क्या है सिल्वर फिश, ये एक विंगलेस इंसेक्ट है, सिल्वर कलर का होता है, विंगलेस इंसेक्ट आपने देखा भी होगा बिल्कुल, सिल्वर फिश इज अ विंगलेस इंसेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ लेपिसिमा और थाइजेन्यूरा, ठीक है। अब एक क्या है, एक इंसेक्ट है, यानी कि किसका पार्ट है भाई, ये कौन है, ये तो आर्थ्रोपोडा हुआ ना, इंसेक्ट यानी के जॉइंटेड लेग्स, ये कौन हुआ, ये आर्थ्रोपोडा भाई साहब हुए ना, तो ये किस में आएंगे, क्या ये फिश आएंगे, नहीं ये तो इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सिल्वर फिश नाम से ये फिश नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो अब किंगडम कॉमन टू यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर प्लांट है ना, और यूनिसेलुलर एनिमल। चलो अब तुम सोचोगे भाई क्या कंफ्यूजन है, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, अब हम देखो मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा, इसके अंदर तो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं और सब कौन है, बैक्टीरिया है, सब बैक्टीरिया, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता, ठीक है, सही बात है। फंजाई के अंदर कौन है, फंजाई के अंदर सिर्फ ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी सारे के सारे क्या है, मल्टीसेलुलर फंजाई है, तो ये वाला भी नहीं है, प्लस इसमें फंजाई के अंदर प्लांट एनिमल वाला कॉन्सेप्ट एज सच है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर प्लांट होता तो यानी कि फंजाई में से कोई ना कोई इनका जो मेंबर होता, अगर प्लांट वाली बात अगर हम करते तो इनमें से कोई ना कोई जो है वो खुद से अपना खाना बनाने के लिए सक्षम होता, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता, यानी कि प्लांट के उसके कैरेक्टर होते उसके अंदर, लेकिन इसमें नहीं है, ऐसे तो सारे पूरा हेटरोट्रॉफ है प्रॉपर, ठीक है, सेप्रोफाइटिक या हेटरोट्रॉफिक है, तो फंजाई, तो इसमें क्या है कि देखो किंगडम प्लांटी, ये एनिमल वाली बात तो हो नहीं सकती, एनिमल वाले फीचर तो इसमें आएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या बचा, प्रोटिस्टा बचा,
क्या बचा? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा क्यों बचा? क्योंकि देखो मैं अब इसकी सिर्फ एक एग्जांपल मैंने क्लास में डिस्कस करी थी, क्या थी वो? यूगलीना। मैंने बताया था कि यूगलीना ये एक ऐसा भाई एक 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 ऐसा एनिमल है, या यूं कहो कि प्लांट लाइक एनिमल है, कि जिसके अंदर एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। यानी कि यूगलीना कैन बी ऑटोट्रॉफिक और इट कैन बी हेटरोट्रॉफिक एज वेल। यानी कि जब इसे खाने की कमी हो जाती है, इसके आसपास कोई शिकार नहीं मिलता, तो ये खुद अपनी बॉडी में भी खाना अपना बना सकता है। यानी कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस यानी कि प्लांट वाला कैरेक्टर, और शिकार करने वाली चीज यानी कि एनिमल वाला, यानी कि दोनों चीजें पाई जा रही हैं। और ये क्या होते हैं? प्रोटिस्टा। ये सब यूनिसेलुलर ही तो होते हैं। तो देखो यूनिसेलुलर वाली बात भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, प्लस प्लांट वाली बात और एनिमल वाली बात दोनों की दोनों इसमें शो हो गई। तो क्या है इसका आंसर? प्रोटिस्टा। किंगडम कॉमन टू यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है? आरबीसीज। सही है। कैन नॉट यूटिलाइज ग्लूकोज बिकॉज दे लैक ग्लूकोज। कहां यूटिलाइज होता है? क्रेब साइकिल कहां चलती है? अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है ना। तो इसके पास क्या नहीं होता? देखो न्यूक्लियस तो इसके पास होता ही नहीं है, हम जानते हैं। जो मैच्योर आरबीसी है उसके बाद न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। लेकिन और भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो नहीं होते, ये ग्लूकोज को सिंथेसाइज वो क्या कहते यूटिलाइज नहीं करता, ठीक है। तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जरा ये देखो, मैच्योर एरिथ्रोसाइट रिलाय ऑन ग्लाइकोलिसिस। ये किस पर रिलाय करता है? ग्लाइकोलिसिस, जो कि कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस फॉर देयर एनर्जी नीड्स। अब देखो, अब माइटोकॉन्ड्रिया चला गया सेल के अंदर से, अब आप सोचोगे एनर्जी कहां से आएगी? तो भाई साहब ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बना लेगा वो। दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया विच आर नेसेसरी फॉर द क्रैब साइकिल। इसके अंदर क्रैब साइकिल नहीं चलती। मान लो अगली बार सवाल आ गया कि बताओ कौन सा सेल ऐसा है जिसमें क्रैब साइकिल नहीं चलती, और ऑप्शन में हुआ मैच्योर आरबीसी, तो आप फौरन आंख बंद कर लाएंगे मैच्योर आरबीसी, ठीक है। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जहां पर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो इसमें नहीं होता, इसे जरूरत नहीं है। इसे बस एक जब ये इमेच्योर था तब तो सारी चीजें थी इसके अंदर, लेकिन जब मैच्योर हुआ तब इसका न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया सब खत्म। सिर्फ इसका एक काम हो गया, 120 दिन तक की इसकी लाइफ होती है, इसका एक काम हो गया कि भाई साहब ऑक्सीजन उठाओ ले जाओ और वहां से CO2 ले आओ। CO2 तो खैर उसमें आती है, लेकिन थोड़ी सी इस पे भी लगकर आती है, हीमोग्लोबिन जो इसके अंदर होता है उसमें, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल देखो। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। बताओ, ये तो याद करने वाली बात है, हमें पता होना चाहिए है ना कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है जो कि किसी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोएंजाइम, ठीक है। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी, मतलब कि जब तक कोएंजाइम नहीं होगा तब तक एंजाइम काम नहीं करेगा। ये हमने पढ़ाया था आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जाके अपने नोट्स चेक करिएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई थी आपको बात, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम कहते हैं, सही है। चलो अगला देखो। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2। प्राइमरी मतलब के इनिशियल वाला, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा PS2 के अंदर, ठीक है। PS2 वाला पाथवे, ये फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। फियोफाइटिन, इसका आंसर क्या है आपका? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन करेगा। देखो फियोफाइटिन इज द मॉलिक्यूल दैट इनिशियली एक्सेप्ट द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल इन PS2 फोटोसिस्टम 2 ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट डिपेंडेंट वाला रिएक्शन यानी कि दिन में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, उसमें क्लोरोफिल से जो निकले हुए एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कौन लेगा, कौन पकड़ेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? तो वो ये जो मॉलिक्यूल है आपका फियोफाइटिन जो मॉलिक्यूल है वो करेगा, समझ गए? ये पूछा है इसमें। आपने फोटोसिंथेसिस अगर पढ़ी है तो आप बहुत डिटेल में इसका आराम दे सकते हो जवाब, और ये सवाल जो है थोड़ा डिटेल्ड सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो, वेलमेंट टिश्यू इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर। वाटर, वाटर के आगे क्या? एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन क्या, ठीक है। तो इसका जवाब है एब्जॉर्प्शन। ये पता है क्या करते हैं? वाटर का एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं वेलमेंट टिश्यूज। वेलमेंट टिश्यू स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन द रूट्स ऑफ एपीफाइटिक ऑर्किड्स एंड सम अदर प्लांट्स। कुछ ऑर्किड्स वगैरह में जो एपीफाइट्स होते हैं और कुछ अदर प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। आसपास से और हवा से, एयर से, ये पता है क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन वाली बात पूछी गई है। एक एडसॉर्प्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है, तो बहुत बड़ा फर्क है। केमिस्ट्री में आपको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो यहां पे एब्जॉर्प्शन वाली बात है, क्योंकि एडसॉर्प्शन अगर होगा तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, प्लांट के अंदर जाएगा ही नहीं पूरा प्रॉपर, है ना, ऊपर ही ऊपर रहेगा बस। चलिए खैर, तो वेलमेंट टिश्यू, इसका वेलमेंट टिश्यू क्या करता है? जो प्लांट्स में रहता है मोस्टली, कुछ कुछ प्लांट्स में, तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। द आइडिया ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वाज गिवन बाय। यानी ये जो आइडिया था, यानी किसी ने ये देखा प्लांट को, सोचा कि यार ये जो लाइट आ रही है ये
कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, फिर उसने फोटोसिंथेसिस वाली चीज जो है वो देखी प्लस उस पर एक्सपेरिमेंट करे, तो उसने पता किया कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है। तो ये चीज किसने बताई थी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था आखिर? ये दिया था मेयर भाई साहब ने, ये दिया था मेयर साहब ने। आर मेयर स्टेटेड दैट इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ही ऑल्सो प्रपोज दैट द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी फूड चेन में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का जो स्रोत है जहां से आती है वो कहां से आती है, वो सनलाइट होती है, सन से आती है। और ये जो लाइट आ रही है, ये जो आपकी लाइट एनर्जी है, ये कन्वर्ट किस में होगी? केमिकल एनर्जी में, समझ गए? क्योंकि केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस चल रही है, तो केमिकली तो बनना है ग्लूकोज, क्या है केमिकली तो कहेंगे हम इसे, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट है, कंपाउंड से बना हुआ है, कंपाउंड है अपने आप में खुद। चलो अगला सवाल देखो, द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस। गटेशन क्या होता है? गटेशन क्या है हम जानते हैं, गटेशन क्या है? वेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ट्रांसपिरेशन इज लो। जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा और रूट प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? गटेशन हो जाएगा। ठीक है, गटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स फ्रॉम एज ऑफ लीव्स एंड टिप ऑफ वेन्स थ्रू हाइड्रोथ्रोट्स इज नोन एज गटेशन। यानी कि आप जब सुबह उठते होंगे तो आपको ओस नजर आती होगी, जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके पत्ते हैं वो आपको गीले नजर आते हैं, तो वो क्या आसमान से कुछ गिरा है, पानी आया है, रात को बारिश हुई थी? नहीं, वो उस प्लांट के अंदर से ही एक प्रोसेस है गटेशन, वो उसकी वजह से होता है। और वो गटेशन कब होता है? कंडीशन पता है क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होगा आपका लो, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा लो और रूट प्रेशर होगा आपका हाई, यानी कि हाई रूट प्रेशर एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, तब जाके आपकी गटेशन की कंडीशन बनेगी। और ये वाला जो यानी कि इसका जो ए आंसर है, ए ऑप्शन है, दिस इज दी आंसर। ठीक है, क्योंकि उसमें बस यही पूछा है कि गटेशन कब होगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन की कंडीशन क्या होगी। अब ट्रांसपिरेशन हम जानते हैं, जब वाटर जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में आ जाता है प्लांट के अंदर, तब क्या होता है, प्लांट उसे वाटर को बाहर निकालता है कि ठीक है भाई बाहर निकलते रहो, किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। तो इसी का कहना, इसी चीज को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो तो क्या है, व्हेन रूट प्रेशर इज हाई एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, बस ये हाई और लो वाली बात में पूरी कहानी टिकी हुई है, समझ गए? चलो इसका आंसर है क्या? ए, हमने देख लिया। अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंडोमाइकोराइजा, इनमें से एंडोमाइकोराइजा कौन है? देखो माइकोराइजा तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाली बात है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, एंडो का मतलब इनसाइड, तो अब जरा देखो कौन, नॉस्ट्रोप, एगरिकस, ग्लोमस, राइजोबियम, इनमें से कौन जो है वो एंडोमाइकोराइजा शो करता है? तो इसका आंसर है बेटा ग्लोमस। क्या है इसका आंसर? ग्लोमस। ग्लोमस इज अ जीनस ऑफ एयरबेस्कुलर माइकोराइजल फंजाई, ये एक फंजाई है, फंजाई का जीनस है, एम फंजाई कहते हैं हमसे, दैट फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ मोस्ट टेरेस्टेरियल प्लांट्स, यानी कि बहुत सारे प्लांट में कॉमनली ये पाई जाती है ग्लोमस, जो कि रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, फैसिलिटेटिंग न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज, और क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, वो उसे फायदा दे रहा है और वो उससे फायदा ले रहा है। दीज फंजाई पेनिट्रेट द रूट सेल्स ऑफ द होस्ट प्लांट, ये फंजाई जो है वो पेनिट्रेट करती है, यानी कि जो रूट सेल है उसके अंदर घुस जाएंगी। ठीक है, हेंस द टर्म एंडोमाइकोराइजा, इसीलिए हमसे कहते हैं एंडोमाइकोराइजा, यानी कि कैसे रहती है, रूट के ऊपर नहीं रहते, ये रूट के सेल्स के अंदर रहती है और वहां से फायदा पहुंचाती है प्लांट को भी और प्लांट से भी फायदा लेती है, यानी कि रहने की जगह प्लांट दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। सही है, तो इसका आंसर क्या है? ग्लोमस। ओके, चलो एंथ्रोजॉइट्स, एंथ्रोजॉइट, एंथर, मेल पार्ट, सीधी सी बात है। इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के एंथ्रोजॉइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, कैसे होते हैं? बायोफ्लैजेलेट होते हैं, और वो आपका सवाल जो है वो आ गया, बायोफ्लैजेलेट्स होते हैं हम जानते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो है विच इंक्लूड मॉसेस, लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट, हमने ये भी पढ़े थे कि ब्रायोफाइट जो है वो तीन टाइप के हैं मेनली, है ना, मॉसेस हैं, हॉर्नवर्ट हैं और लीवरवर्ट हैं। प्रोड्यूस स्पर्म सेल, यानी कि मेल वाले सेल नोन एज एंथ्रोजॉइट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइट्स कहते हैं। दीज एंथ्रोजॉइट्स यूजुअली हैव टू फ्लैजेला विच हेल्प देम टू स्विम थ्रू अ फिल्म ऑफ वॉटर टू रीच द एग ऑफ पॉट फर्टिलाइजेशन। देखो ब्रायोफाइट क्यों है, ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, एम्फीबियंस होते हैं ये। एम्फीबियन पता है क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि ये वॉटर और टेरिस्टेरियल हैबिटेट दोनों में म्यूचुअली रहते हैं, मतलब कि वॉटर की जरूरत ये रहते तो वहां पर है जमीन पर, यानी कि पानी के किनारे जो वाला आपकी जो जमीन होती है वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन पानी की जरूरत पता है क्यों होती है इन्हें? क्योंकि इन्हें करना होता है रिप्रोडक्शन, इसलिए ना पानी की जरूरत। ऐसे ही एनिमल्स, एनिमल का हिसाब है, जैसे फ्रॉग है वो अंडे कभी जमीन पर नहीं देगा, वो हमेशा अंडे कहां देगा? पानी के अंदर देगा, समझ गए? क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है, तो एम्फीबियन की जो बात है वो इसीलिए हम उसे एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि वो पानी का इस्तेमाल करता है, बिकॉज ड्यू टू फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस।
तो वही वाली बात है कि ताकि एंथ्रोजॉइड, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं ताकि वो तैर के फीमेल एग तक जा सके, सही है। चलो क्या है आंसर, बाइफ्लैजेलेट। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ टू टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ऑर्गेनिज्म खत्म, अगर बहुत कम हुआ तो ऑर्गेनिज्म खत्म, यानी कि एक पर्टिकुलर बहुत नैरो रेंज वाला टेम्परेचर ही सहन कर सकता है, अदरवाइज वो टैब हो जाएगा। तो अब वो क्या है भाई, उसे हम कहते हैं, देखो यूरी का मतलब क्या है, अच्छा खासा, यानी कि बहुत वाइड रेंज टॉलरेंस है इसकी। स्टीनो का मतलब ही नैरो होता है, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है तो उसमें स्टीनो का मतलब ही नैरो होता है, तो आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि स्टीनो थर्मल, यानी कि नैरो वाला, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टीनो थर्मल, ठीक है। क्या कहते हैं हमने, स्टीनो थर्मल, ठीक है। ये वाली बात भी मैंने बताई थी, ये भी हमने पढ़ाया था बहुत अच्छे से आपको। चलो अब 122 वाला देखो, among the following a secondary pollutant, ये तो याद करने वाली बात है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो बेटा इनमें से जो पैन होते हैं दे आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, पैन्स आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, विच मीन्स दे आर नॉट डायरेक्टली एमिटेड एज एग्जॉस्ट फ्रॉम पावर प्लांट, यानी कि डायरेक्टली एज अ पॉल्यूटेंट एजेंट नहीं निकलते, ये जब निकल जाते हैं तो आसपास के साथ कंट्रैक्ट करके, आसपास के मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ इंटरेक्ट करके, केमिकल के साथ इंटरेक्ट करके, तब जाकर फॉर्म होते हैं और ये बहुत घातक होते हैं, ठीक है। और इंटरनल कंबस्टन ऑफ इंजन, बट दे आर फॉर्म फ्रॉम अदर पॉल्यूटेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। हाँ भाई, तो हमारा जवाब था पैन, ठीक है। पैन आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स विच मीन्स दे आर नॉट डायरेक्टली एमिटेड, यानी हम बता रहे थे आपको कि भाई ये जो पैन है ये डायरेक्टली एमिटेड नहीं होते हैं किसी भी सोर्स से, जो पॉल्यूशन फैलाती है डायरेक्टली नहीं निकलते, ये जब बहुत सारे अलग अलग जो सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज से पॉल्यूशन निकल रहा है तब जाके इंटरेक्ट करते हैं आपस में और तब बनता है आपका पैन, इसीलिए हम इसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। चलो 123 वाला है हमारा, अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रेफर टू एज पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो ये वाली बात हमने आपको चीख चीख के बताई थी अपनी क्लास में, बिल्कुल बताया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है और एमयू का फेवरेट सवाल है और हर जगह पूछा जाता है ये सवाल, सोचिए 6th क्लास में भी आता है, 9th में भी आता है, 11th में भी आता है, और अब देखिए आपके बीएससी में भी आया है, पता नहीं क्या कुछ सवाल होते हैं ऐसे। खैर, तो इसका जवाब है सीधा सीधा लाइकेन, क्या है इसका जवाब, लाइकेन सीधा सीधा, ठीक है। लाइकेन क्या होते हैं, ये सिम्बायोटिक कनेक्शंस होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो एनिमल रहते हैं एक साथ, कौन एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म कह लिया आप, नॉट एनिमल, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक होती है एल्गी और एक है फंजाई, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन, ठीक है। एल्गी क्लोरोफाइसी होती है, यानी कि एल्गी के टाइप्स हमने पढ़े थे, तो उसमें क्लोरोफाइसी वाली जो एल्गी है वो होती है, और फंजाई होती है वो एस्कोमाइसिटीज वाली होती है, एस्कोमाइसिटीज हमने पढ़ी थी ना फंजाई, वो होती है, ठीक है। आर द मोस्ट कॉमन बिकॉज दे ओनली ग्रो इन क्लीन प्लेसेस, दे ऑपरेट एज पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये जो है बिल्कुल क्लीन वाली जगह पे रहते हैं, यानी कि जो बहुत साफ सुथरी जगह होती है ना, माहौल बहुत अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, बिल्कुल भी वातावरण में बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता, तब जाकर ये प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि जहां पर भी आपको लाइकेन नजर आ जाए, यानी कि वो जगह वहां की हवा जो है बिल्कुल साफ सुथरी है, ये एक पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, जहां पर भी ये नहीं हो प्रेजेंट, यानी कि वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे पॉल्यूटेड एरियाज को देखने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि लाइकेन है या नहीं है, अगर है यानी कि हवा बिल्कुल साफ है, पॉल्यूशन नहीं, अगर नहीं है तो यानी गड़बड़ है उसका। चलो तो इसका क्या है जवाब, लाइकेन, ठीक है। अब अगला और आखिरी के जो दो सवाल है क्या है भाई, सम अमाइनो एसिड्स आर बीइंग कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हम जानते हैं एक से ज्यादा कोडोन से भी अमाइनो एसिड जो है वो कोड करते हैं, हेंस द जेनेटिक कोड इज, तो जेनेटिक कोड जो है वो कैसा है, अब ये वाला भी हमने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, कि भाई जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल होता है, क्यों यूनिवर्सल होता है, क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई दूसरा कोई प्रोकैरियोट हो, कोई जानवर हो, कोई बैक्टीरिया हो, सबके अंदर जो है अमाइनो एसिड जो है वो वही रहेंगे, सबके अंदर जो है अमाइनो एसिड कोड करने वाले कोडोन ही रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल है, ऑल नोन लिविंग सिस्टम यूज न्यूक्लिक एसिड, सबके पास डीएनए और आरएनए है, एंड द सेम थ्री बेस कोडोन, और तीन बेस का कोडोन है, टू डायरेक्टली द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, द एमआरएनए कोडोन ट्रिपल यू फॉर एग्जांपल कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, हमने देखा था कि ट्रिपल यू जो है वो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है अमाइनो एसिड को, इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, हेंस जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। अब ये चीज, ये ट्रिपल यू अगर आया है, ये फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, यानी कि अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन को बनाएगा, और जब ये अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो यानी कि चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई लाइन हो, टैगर हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब में ट्रिपल यू ही कोड करेगा फिनाइल एलेनिन को, तो हेंस इट इज यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह एक जैसा, समझ गए। चलो और आखिरी सवाल हमारा क्या है, ये भी बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है, बस हल्का सा घुमा दिया है, द डफ आटा जो होता है, विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग, उसका फर्मेंटेशन किसके थ्रू होता है, तो उसका फर्मेंटेशन होता है हम जानते हैं बाय यूजिंग ईस्ट, है ना,
ईस्ट, ये हम जानते हैं बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने आपको पढ़ाया, लेकिन ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है ये भी हमने आपको बताया था, वो है सैक्रोमाइसिस क्रेविसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस क्रेविसी, तो दिस इज द आंसर, सैक्रोमाइसिस क्रेविसी इज द प्रिंसिपल ईस्ट यूटिलाइज्ड फॉर इट्स यूनिक फिजियोलॉजी एंड एसोसिएटेड की रोल इन फूड फर्मेंटेशन। फूड फर्मेंटेशन के लिए सैक्रोमाइसिस क्रेविसी का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या है, एक फंजाई है जो कि यूनिसेल्युलर फंजाई है, हमने आपको डिटेल में बताई थी ये बात। द which is used for making bread is fermented by baker's yeast. Microbes, especially yeast, have been used for production of beverages like beer. Yeast का इस्तेमाल आप beer के production में, whiskey production etc. इन सब में भी आप कर सकते हैं, समझ गए? तो ये सारे के सारे 25 के 25 सवाल आपके बायोलॉजी के आए, और मोस्टली सवाल जो है इसमें से, अच्छा खासे सवाल जो है वो हमारे नोट्स में से हैं, हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। जो एलियरिंग शिक्षा द्वार वाले बच्चे हैं वो जानते हैं, अगर कोई मिले आपको, जो कि जाहिर सी बात है अगर सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सभी का होगा सिलेक्शन, जो भी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा हम अपना पेपर करके आए, और आप उनसे पूछिएगा कि भाई क्या बाकी में सर सही कह रहे थे, जो पढ़ाया था वही आया था, तो देख लो भाई जो पढ़ाया था वही आया था, वो आपको जवाब दे देंगे और साथ में अपने नोट्स भी दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आगे तो हमसे बिल्कुल जुड़िए, हमारी डिटेल्स जो है वो हमारे चैनल पर प्रेजेंट है, मौजूद है, तो आप ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।